नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। जया रोग चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए की जा रही कवायद के बीच गुरुवार को ग्वालियर संभाग के नए संभागा आयुक्त महेश चौधरी यहां व्यवस्थाओं का जायजा लेने जेएच पहुंचे। यहां उन्होंने कार्डियोलॉजी सहित कई विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से उन्हें मिल रहे उपचार के संबंध में जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने जेएच में व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में जेएच प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और डॉक्टरों से चर्चा भी की। बिल्कुल, देखिए ये फर्स्ट विजिट है और ग्वालियर से पहले हमने इंदौर, जबलपुर और रीवा इन हॉस्पिटल में ऑलरेडी हमने काम किया हुआ है और कायाकल्प के काम भी हम लोगों ने स्ट्रिक्टली वहाँ पर कंडक्ट किए हैं। आज जो है वो कैजुअल विजिट है और ओवरऑल जो एक माइंडसेट है और ये जो वर्किंग माहौल है, चैलेंजेज हैं, वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म वाली चीजें हैं। विपक्ष के नेताओं को डर है कि मोदी यदि दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन सबको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए इनके द्वारा चौकीदार चोर का शोर मचाया जा रहा है। उक्त बात संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने जैन छात्रावास में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा ग्रामीण की बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की। बैठक में ग्वालियर ग्रामीण जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जैन, किसान मोर्चे के प्रदेश महामंत्री विनोद जादौन, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र राणा ने भी संबोधित किया। बैठक के अंत में समाजवादी पार्टी के प्रहलाद सिंह कुशवाहा ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली। आज ये किसान मोर्चा की बैठक है, आपको भी अखबार के माध्यम से सूचना मिल रही होगी कि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसने भ्रमित करके किसानों को, और सरकार तो बना ली लेकिन जो 2 लाख रुपए का दावा किया था वो झूठा साबित हुआ। कई जगह प्राय देखने में आ रहा है कि लोगों के 2-2 लाख के कर्जे तो हैं लेकिन कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000, कहीं 5,000, कहीं 7,000, वो यहाँ तक देखने में आया कि 500-500 रुपये तक भी किसान के कर्जे माफ हुए हैं। तो हमारा आज ये किसान मोर्चा के माध्यम से हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में किसान का जो लाभ हुआ, किसान का जो सपोर्ट सरकार ने किया उसको बताएगा और इस कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करेगा। ये प्लानिंग के लिए बैठक हमने यहाँ करी थी। हाँ, निश्चित तौर पर लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और जिस प्रकार से देश में माननीय मोदी जी ने विकास कार्य किया है, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने विकास किया है, उसके आधार पर जन जन से वोट लेकर के पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जनकताल स्थित मंदिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति व अन्य सामान चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर नशा करने का आदि है। मौड़ापुर पुलिस उसके एक और साथी को तलाश कर रही है। सोमवार मंगलवार की रात जनकताल स्थित मंदिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियां सहित अन्य सामान चोरी हो गया था। मौड़ापुर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी। इस मामले में जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला आसपास के रहने वाले कुछ नशेड़ी देखे गए थे। एक को राउंड अप कर पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। ये दिनांक 25-26 मार्च की दरमियानी रात्रि जनकताल के बगल में एक राधा रानी का मंदिर है, राधा कृष्ण भगवान का। वहां से अज्ञात बदमाशों द्वारा पीतल की मूर्तियां और 2 चांदी के छत्तर और लड्डू गोपाल जी आदि भगवान की चोरी करी गई थी। इस संबंध में निर्मल कुमार अग्रवाल जी की सूचना पर, जो कि मंदिर के संरक्षक हैं, देख रेख उन्हीं के द्वारा की जाती है, नकबजनी का प्रकरण पंजीकृत किया था थाना बौड़ापुर में और लगातार उसी दिन से सूचना के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही थी। तो इसमें हमें अपेक्षित सफलता मिली है। 2 चोरी करने वाले बदमाश रोहित राठौर और रोहित मराठा, ये दोनों जनकताल के रहने वाले, इनको पकड़ा है। इनके कब्जे से दोनों चांदी के छत्तर बरामद हो गए हैं। लेकिन उन्होंने जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ थी और लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उसको इन्होंने तोड़ के खंडित कर दिया गया और एक कवाड़ी को बेच दिया था। हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के दोषी की 3 साल की सजा को निलंबित करने के लिए उसके सामने अनोखी शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा दोषी युवक की उम्र 20 साल है, अगर वह अस्पताल में जन सेवा करता है तो
तो उसकी सजा को निलंबित किया जा सकता है। इससे दोषी युवक के स्वभाव में जल्द सुधार आएगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ में न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने दोषी को गुना जिले के बमौरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हफ्ते में 2 दिन मरीजों की सेवा करने का आदेश दिया। दोषी को 6 महीने तक काम करना होगा, साथ ही हर 2 महीने में आरोपी के अधिवक्ता को उसके काम की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। इसी शर्त पर कोर्ट ने दोषी युवक को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि दोषी युवक को स्वास्थ्य केंद्र में हफ्ते में 2 दिनों में 4 घंटे मरीजों की सेवा करनी होगी। इस दौरान दोषी अस्पताल में सेवा के दौरान अपने अनुभव भी कोर्ट को बताएगा। जेल से उसे 50,000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने उसकी अपील को फाइनल सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। एक्चुअल में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा एक क्रिमिनल अपील फिरोज खान के नाम से प्रस्तुत की गई थी। उस क्रिमिनल अपील में उसने सजा का सस्पेंशन के लिए आवेदन दिया था कि जब तक मेरी इस अपील की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक मुझे जो है मेरे दंड को सस्पेंड रखा जाएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय ने 50,000 रुपये के साथ में उसका निलंबन कर दिया, लेकिन उसके साथ ये शर्त भी लगाई कि चूँकि लड़का भी यंग है, 20-22 साल का है, पॉस्को एक्ट लगाया उसके ऊपर और उसमें कुछ सुधारात्मक 2 तरह के दंड से हम किसी व्यक्ति को सुधारते हैं, उसे दंड देकर या उसे सुधारात्मक तरीके से। तो उन्होंने एक सुधारात्मक तरीका भी उसके साथ साथ अपनाया। उन्होंने उसे निर्देशित किया कि इस शर्त के साथ उसे जमानत दी जाएगी या उसके दंड का निलंबन किया जाएगा कि वह ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके अपनी सेवाएं दे, और इसके साथ साथ ये भी रिस्ट्रिक्टेड किया कि वो हॉस्पिटल के मेन पार्ट जो ICU वगैरह है उनमें नहीं जाएगा, बाहर ही साफ सफाई के कार्य में सहयोग करेगा, जिससे कि उसका वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ के अपने आप में एक सुधार भी ला सके। तो एलिगेशन किस तरह का था इसके? उसके ऊपर देखो, इस जो पॉस्को एक्ट है उसमें अभियुक्तरी का नाम चूँकि गुप्त रखा जाता है, ये ऐसा उसमें प्रावधान भी है और निर्देश भी है, तो इसलिए इस संबंध में मैं उनके नाम को बताने में असमर्थ हूँ। बच्ची के साथ छेड़खानी की थी? हाँ, छेड़खानी का मामला था, छोटी बच्ची थी, वो माइनर थी। ट्रायल कोर्ट का क्या आदेश हुआ था? ट्रायल कोर्ट ने उसे सजा दी थी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए IPL मैच में सट्टा लगाने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लाला का बाजार से हर्ष अग्रवाल और कुणाल वासवानी एवं गोविंदपुरी से गिरराज शर्मा एवं मनीष कुमार को दबोच कर उनके कब्जे से 40,000 से 50,000 की नकदी एवं सट्टे के हिसाब किताब की पर्चियाँ बरामद की हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कल जो पकड़े थे उनसे 10,000 रुपये और IPL की सट्टा पर्चियाँ ये पकड़े गए थे, और आरोपियों के नाम कुणाल सेवा रमानी और दूसरा जो है हर्ष अग्रवाल। ये एक तो जो है लाला का बाजार, साई अपार्टमेंट, थाना माधोगंज, और दूसरा इसमें था जनक हॉस्पिटल के सामने फटाका वाली गली। आज जो कार्रवाई हुई है इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरिराज शर्मा और मनीष कुमार शर्मा। ये गोविंदपुरी से पकड़े गए हैं, कार्लो मोंटी कार्लो अपार्टमेंट शोरूम के सामने सरस्वती नगर से पकड़े गए। इनसे जो है 10 सट्टा पर्चियाँ मुंबई बंगलोर से, बंगलोर की, और 10 सट्टा पर्ची हो गई और 30,000 रुपये नकद दोनों से जब्त किए गए। ग्वालियर जिले की महिलाओं के लिए यह बेहद ही खास खबर है, क्योंकि शहर में आए दिन ऑटो और टेम्पो वाहनों में अश्लील और भड़कीले गाना चलने की वजह से महिलाओं एवं युवतियों को परेशान होना पड़ता है।
इसको लेकर अब परिवहन विभाग ने शहर में चल रहे ऑटो और टेम्पो में साउंड सिस्टम को प्रतिबंधित कर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। 31 मार्च तक साउंड सिस्टम हटाने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। दरअसल आरटीओ को लंबे समय से महिलाओं व युवतियों से शिकायत मिल रही थी कि शहर में ऑटो और टेम्पो चालक भद्दे गाने बजाते हैं, जिसके बाद आरटीओ ने महिलाओं की समस्या दूर करते हुए यह कदम उठाया गया है, जिसके तहत सभी ऑटो टेम्पो वाहन स्वामियों को 31 मार्च तक गाड़ियों से साउंड सिस्टम हटाने होंगे। नहीं हटाए जाने की स्थिति में 1 अप्रैल से अभियान चलाकर ऐसे सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे चालकों का लाइसेंस व वाहन का परमिट भी निरस्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल, इसमें हमें कई शिकायतें मिल रही थी। महिलाओं की तरफ से भी शिकायत आती थी और बच्चियों की तरफ से भी शिकायत आती थी कि ये जो ऑटो वाले हैं ये स्कूल कॉलेजों के पास खड़े हो जाते हैं या अन्य किसी चौराहे के पास जो अपने पार्किंग में खड़े रहते हैं। तो जब भी कभी महिला निकलती है या बच्चियां निकलती हैं तो ये तेज़ आवाज़ में इस तरह के फिल्मी गाने चलाते हैं जिनको कि असहज महसूस करती हैं महिला और बच्चियां। तो पहले भी जब मैं पहले था तब इसकी एक मुहिम चलाई थी और सारे इनमें से रिमूव कर दिया था। अब आने के बाद फिर से इनकी ये कंप्लेंट आई है तो अल्टीमेटली हमने इनको टाइम दिया है 1 तारीख तक का कि 31 तारीख तक ये लोग अपने इनमें अगर कोई इस तरह का साउंड सिस्टम है तो वो निकाल लें। अगर इसके बाद भी नहीं निकालते तो 1 तारीख के बाद फिर हम रेंडमली चेकिंग करेंगे और जिस भी वाहन में लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिला, भले ही वो बज रहा है या नहीं बज रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है, अगर वो लगा हुआ है तो फिर उस चालक का लाइसेंस कैंसिल होगा, उस गाड़ी का परमिट कैंसिल होगा। ऐसी कोई भी गाड़ी जो कि नियमों के उल्लंघन में इस तरह की बदतमीजी करती हुई पाई जा रही है उसको चलने का अधिकार शहर के अंदर नहीं है। ऑटो की संख्या लगभग 9,500 ऑटो हैं जो कि शहर में चलते हैं और टेम्पो की संख्या भी लगभग 2,000 के लगभग है। तो इन सभी पे ऐसा नहीं है कि सभी में लगे हों, लेकिन कुछ संख्या में तो ये अवश्य लगे हुए हैं। तो इनको पहले अवसर दे रहे हैं और उसके बाद अगर नहीं मानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं इनसे अपील करना चाहता हूं कि एक सभ्य समाज है और उसमें सभ्यतापूर्वक ही पेश आएँ और इस बात का ध्यान रखें। उनके भी घर में बहू बेटियां हैं और उनकी उनको असहज महसूस ना हो, इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं करें, वरना अगर हमें कंप्लेंट भी मिल गई किसी की तो हम उस कंप्लेंट के आधार पर ही उसका लाइसेंस और उसका परमिट कैंसिल कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई उसको रिलैक्सेशन मिलने वाला नहीं। शहर में वर्तमान में 9,500 से अधिक ऑटो व 2,000 से अधिक टेम्पो चल रहे हैं। ऐसे में सभी टेम्पो ऑटो स्वामियों को सूचित कर दिया गया है कि 31 मार्च तक वह स्वयं ही अपने वाहनों से साउंड सिस्टम को हटा ले, नहीं तो 1 अप्रैल से ऐसे वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 के अंतर्गत अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। सही है ना? दलित आदिवासी महापंचायत संघ द्वारा गुरुवार को मोती महल पहुंचकर यहां अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ हो रहे अन्याय एवं छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जनजाति विभाग की सहायक आयुक्त उषा पाठक एवं संभागीय उपायुक्त अजय सिंह को निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राजेंद्र है और मैं सहरिया जनजाति से आया हूं और आज हम यहां पर माननीय आयुक्त के यहां 100 के लगभग बच्चे आए। पिछली बार भी हम जो पूर्व हमारे आयुक्त थे कमिश्नर साहब वह तब भी आए थे, 18 तारीख को आए थे और उसके बाद 26 तारीख को आए थे, 1 मार्च को भी आए थे। तो हमने 18 तारीख को माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा था जिसमें हमने 3 दिवस का समय दिया कि 3 दिवस के अंदर हमें तत्काल कार्रवाई चाहिए, लेकिन आज दिनांक तक माननीय ने उनका स्थानांतरण हो गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस विषय पर। और हम जो बेरोजगार आदिवासी सहरिया जनजाति से छात्र हैं, हमारे 2 भाइयों ने इसी बेरोजगारी से तंग आकर भोपाल मंत्रालय में जहर भी खाया था, जो मरते मरते बचे हैं और आज हम भी उसी
कगार पे हैं कि हमें भी शायद ऐसा ही कुछ करना होगा, लेकिन पता नहीं सरकार बहरी या गूंगी है, सुन नहीं रही। कब से हम चक्कर लगा के हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात ही नहीं सुन रहा। हमने पूरे मध्य प्रदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट ज्ञापन भी किया है, लेकिन सब सारे मंत्रियों को कर चुके, हमारे प्रभारी मंत्री उमंग सिंगार को भी ज्ञापन दे चुके हैं और माननीय कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं। हमारी मांगें जो हैं जी हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और हमारे जो 3 छात्रावास खुले हैं उनको तत्काल सुचारू किया जाए, क्योंकि हम ग्वालियर से आते हैं, हम बेरोजगार यहाँ पर रहने के लिए हमें जगह नहीं है, हम रहेंगे कहाँ अगर पढ़ाई करेंगे आगे बढ़ेंगे तो रहने के लिए जगह नहीं, जबकि शासन से 3 छात्रावास मंजूर हो चुके हैं फिर भी हमारे जो जनजातीय कार्य विभाग है वहाँ से चालू नहीं किए गए। तो उन छात्रावासों को चालू किया जाए और हमें उसमें एडमिशन दिया जाए ताकि हम आगे की पढ़ाई सुचारू करें। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सर्कुलेटिंग एरिया में वर्षों से स्थापित ऑटो रिक्शा स्टैंड का क्षेत्रफल बढ़ाकर स्टैंड को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा गुरुवार को स्टेशन परिसर में प्रदर्शन करते हुए रेलवे अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि ऑटो चालकों की सुविधाओं को देखते हुए सर्कुलेटिंग एरिया में न तो स्थान कम किया जाए और नए कॉरिडोर की स्थापना की जाए, अन्यथा ऑटो चालक आंदोलन के लिए मजबूर हैं। विगत कई माहों से हमें रेलवे प्रशासन, यातायात पुलिस, जिला प्रशासन को अवगत कराया गया कि जो हमको ऑटो स्टैंड स्वीकृत किया गया था उसमें इतने बैरिकेड्स लगे होने के वजह से कोई भी सवारी वहां पहुंच नहीं पाती हैं। ऑटो स्टैंड होने के बावजूद ही कार पार्किंग में बहुत से ऑटो, अवैध ऑटो जो खड़े होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिससे जो नियम कानून का पालन करने वाले ऑटो चालक हैं उनका पूरा व्यापार समाप्त हो गया था। इस बात को लेकर हमने प्रशासन से 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन में जो बैरिकेड्स हैं हटा दिए जाएँ, जिससे पैसेंजर ऑटो स्टैंड तक जा सके और जो अवैध ऑटो जो कार पार्किंग में खड़े होते हैं उनको भी ऑटो स्टैंड में लिया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण मजबूरन बस अपने रोजगार बचाने के लिए हमको अपनी गाड़ियाँ स्टैंड से बाहर निकाल के अपने व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध आंदोलन चलता है और हम बराबर करते रहेंगे। यदि इस बार बात नहीं बनती तो हम इसको और आगे ले जाएंगे। शहर महानगर का भी हम हड़ताल कर सकते हैं, अन्य प्रकार के भी विकल्प हमारे खुले हुए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम सब प्रकार की बातें रखेंगे। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के सिटी सेंटर स्थित कैलाश विहार में एक युवक ने अपनी पत्नी से विवाद के बाद खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और जब आग भड़की और आसपास के लोगों ने शोर सुना तो फिर जल्दी से पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक युवक के शरीर का कुछ हिस्सा आग में झुलस गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची यूनिवर्सिटी पुलिस ने युवक को एम्बुलेंस की मदद से JH में इलाज के लिए पहुंचाया। युवक का नाम जमील खान बताया गया है। पुलिस उसे परिजनों से पूछताछ कर रही है। घटना कुछ नहीं, हमारी FRV पर कॉल आया था 20 पर और भोपाल से कंट्रोल ने बताया, हम आए यहाँ पर तुरंत उसको एम्बुलेंस बुलवाई, उसे भेज दिया, 108 के द्वारा भेज दिया गया। क्या हुआ था? क्या दोनों पति पत्नी में विवाद था, पत्नी बता रही थी हम दोनों में विवाद चल रहा था, उसने उसे पेट्रोल डाल ली और आग लगा ली। सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसकी माँ और भाई अभी भी JH के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। घटना 23 मार्च की है, जब टीकमगढ़ निवासी हरदेव केवट अपनी माँ एवं भाई के साथ बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे, तभी पुलिस लिखी हुई प्राइवेट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए JH में भर्ती कराया गया था, जहाँ गुरुवार को हरदेव की मौत हो गई। पुलिस ने उसकी मौत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हमारे छोटे भैया वो रोड पर खड़े हुए, डिलाईवा खड़ा हुआ था, छोटे भैया बैठे थे और पीछे हमारी दादी बैठी थी, वो चला रहे थे, वो डिलाईवा गाड़ी वाला सो सामने से आया, सीधे ठोक दिया उनको, वही पाल है कोई, पुलिस वाले भी साथ में थे, 2 लोग घायल हुए हैं, मेरी दादी है और मेरा छोटा भाई है, दादी का नाम मक्खन है। ग्वालियर में रक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के 200 मीटर एरिया में अतिक्रमण के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने DRDO के 200 मीटर एरिया में बने सभी शासकीय एवं गैर शासकीय निर्माण तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस आदेश से प्रशासनिक गलियारे के साथ ही आम लोगों में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। दरअसल अधिवक्ता राजेश सिंह ने एक जनहित याचिका लगाकर DRDO क्षेत्र के 200 मीटर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी।
जिस पर कोर्ट ने विगत दिनों प्रशासन से डीआरडीओ संस्थान के 200 मीटर क्षेत्र में बने वैध अवैध सभी तरह के निर्माण की जानकारी मांगी थी। इस क्षेत्र में जो बड़े निर्माण आ रहे हैं उसमें बाल भवन, रूप सिंह स्टेडियम, निगम प्रशासनिक भवन, एसपी ऑफिस, वन विभाग और कई निजी निर्माण भी शामिल हैं। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वर्क्स एंड डिफेंस के तहत 200 मीटर क्षेत्र में सभी अतिक्रमण हटाए जाए। इसमें 2005 के पहले के जो निर्माण होंगे उन्हें मुआवजा राशि दी जाएगी, लेकिन जो 2005 के बाद के निर्माण होंगे उन्हें किसी तरह की मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। उसमें राजेश भदौरिया ने एक जनहित याचिका दायर की थी, उस जनहित याचिका में अंतिम सुनवाई करके उसको अंतिम निर्णय के लिए रख लिया गया था। आज उसमें अंतिम निर्णय आ गया है। उस अंतिम निर्णय में कोर्ट ने यह कहा है कि नोटिफिकेशन का जो दिनांक था 2005 का, अगस्त 2005 का, उस तारीख से पहले जितने भी बने हुए निर्माण हैं उनको लैंड और बिल्डिंग दोनों का कंपनसेशन दिया जाएगा, और जो 2005 के बाद के जो निर्माण हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, नगर निगम की बिल्डिंग हो चाहे एसपी ऑफिस हो, कोई भी जो भी उसके दायरे में आता है, 200 मीटर के दायरे में आता है, उनको तोड़ा जाएगा बिना किसी कंपनसेशन के। बिल्डिंग का कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट जिसके तहत डीआरडीओ ने वो रोक लगाई थी, उसमें जितने भी वो आते हैं निर्माण वो अवैध माने जाते हैं और उनके लिए कंपनसेशन का कोई प्रावधान नहीं है। और लैंड के लिए वो अपना कंपनसेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो कि कलेक्टर है। अब किसी ने कोई अवैध निर्माण कर लिया तो उसके लिए तो कोई उत्तरदायित्व वाला तो न्यायालय का है और ना ही शासन का है। अगर किसी ने कोई गलत निर्माण किया है और नियमों से हटके कोई निर्माण किया है, बहुत से निर्माण बिना अनुमति के किए गए हैं, बहुत से निर्माण अनुमति लेके किए गए हैं नगर पालिका से, तो नगर पालिका निगम ने जिन निर्माणों की अनुमति भी दी है वो भी गलत दी है। अब ऐसा भी मैंने उसकी विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त की है, क्योंकि ऑर्डर को भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। अब ना है कि नहीं है ये अभी मैं नहीं बता सकता। लोकसभा चुनावों के लिए लगी आदर्श आचार संहिता के चलते पुलिस, यातायात और परिवहन विभाग द्वारा लगातार शहर की सड़कों पर वाहनों की जाँच कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही वाहनों की जाँच भी हो रही है, जिससे कि किसी वाहन चालक द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सके। बीती रात भी शहर के अलग अलग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने यहां आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की और उनके दस्तावेज भी खंगाले। जनरल जो चेकिंग चौराहों पर लगती है उसी के तारतम्य में ब्लैक फिल्म यदि कोई विंडो पर चढ़ाई हुई है तो नियमानुसार वो गलत होती है, तो तत्काल उसको हटवाया जाता है और जो लीगल कार्रवाई है उसका चालानी कार्रवाई वो भी उसके अंतर्गत की जाती है। उसके बाइकों पे ऐसे 3 सवारी बैठ रही है जिसमें वृद्ध हैं, हमारे जैसे एसपी साहब के निर्देश हैं, महिलाएं बच्चे हैं, उनको जो है नहीं परेशान किया जाता है। अदरवाइज 3 सवारी बैठी हैं। प्रिस्क्राइब जो नंबर प्लेट है उसके मुताबिक यदि नंबर उस पर नहीं डला है आगे और पीछे, उनको रोक के भी उनकी कार्रवाई की जाती है। प्लस यदि दस्तावेज सही हैं, कागज़ सही हैं, तो उस हिसाब से उनको वार्निंग भी दी जाती है। मुख्य उद्देश्य यह है कि नियमों का, ट्रैफिक का, रूल्स का, रेगुलेशन का पालन करें आम जनता और फॉलो करें, सुरक्षित यातायात चलाए, स्वयं को सुरक्षित रखें और आयगिरी जो चलने वाले उनको सुरक्षित रखा जाए। उसका भी अभियान है, उसके अंतर्गत अलग उसकी रसीद काटी जाती है, विशेषकर बुलेट जो मोटरसाइकिल हैं और साइलेंसर बदल के उसमें जो आवाज़ वाले होते हैं, यदि वो चौराहे पर चेकिंग के दौरान कहीं मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाती है। यदि संदिग्ध मिलता है तो तत्काल उसके खिलाफ उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, जैसे अनलीगल वेपन्स है या लिक्वर है या अन्य कोई आपत्तिजनक सामान है तो उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा ना, अभी मेरे जब से यहाँ आया हूँ तब से इस तरह का नहीं आया मेरे संज्ञान में कोई मिला है। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।